जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों एसटीईटी 2023 परीक्षा नहीं महाघोटाला है। अगर एसटीईटी 2023 का जब से विज्ञापन आया और अभी तक के घटनाक्रम को आप देखिएगा तो आप भी यही कहिएगा कि एसटीईटी परीक्षा नहीं महाघोटाला है। पहले तो फॉर्म भरने के लिए जिस तरह की हड़बड़ी की गई, उसके बाद परीक्षा जिस तरह से हुआ कि हर सेंटर से गड़बड़ी की खबर आई, बाहर से चीत पुर्जा पहुंचाया गया, धांधली सेटिंग की खबरें खूब आई, पेपर लीक की बातें हुई। अब जब आंसर की जारी हुआ है तो उसमें भी 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर जानबूझकर गलत दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि उत्तर गलत हो गया है, नहीं, 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर जानबूझकर गलत दिया गया है ताकि जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो पढ़ने वाले हैं, मेरिट वाले हैं, उनको फेल कर दिया जाए। क्योंकि एक दो क्वेश्चन का आंसर गलत देते तो हो सकता है कि फेल नहीं करते अभ्यर्थी, लेकिन आप सोच सकते हैं कि 50-50 क्वेश्चन का आंसर अगर गलत दे दिया जाए तो अभ्यर्थी तो निश्चित रूप से फेल कर जाएंगे जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी होंगे। तो एसटीईटी 2023, मैं बार बार कह रहा हूं कि इनके बिहेव से जो बीएसईबी के चेयरमैन है और बीएसईबी जो बोर्ड है उसके पूरे बिहेव से लग रहा है कि कुछ खास लोगों के लिए एसटीईटी 2023 आयोजित करवाई जा रही है। और यही वजह है कि अभी ये जानबूझकर 50 से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं ताकि मेरिट वाले अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, फेल कर जाएंगे, और आगे जो शिक्षक भर्ती होगी तो उसमें इन लोगों के जो अभ्यर्थी होंगे वो पास कर जाएंगे। ये शिक्षा माफियाओं की बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। एक दो क्वेश्चन का आंसर मान लीजिए ऐसे मिस प्रिंट हो सकता है या किसी वजह से गलत हो सकता है, लेकिन 50-50 प्रश्नों के उत्तर, वो भी एकदम आसान आसान क्वेश्चन के आंसर गलत नहीं हो सकते। ऐसे चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, ये आंसर दे रहे हैं इंदिरा गांधी ने किया, सभी लोग जानते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा आंसर होगा। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था, सभी लोग जानते हैं, वनों की कटाई को रोकना था, ये आंसर दे रहे हैं साक्षरता। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ये तीसरा दे रहे हैं। सजीवों में पाए जाने वाले जैव परक्रम, इसी तरह बहुत सारे, बॉम्बे हाई किस चीज के उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसी तरह 50 से अधिक प्रश्न है जिसके उत्तर गलत दिए गए, जब जो कि एकदम आसान आसान प्रश्न है। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया होगा। हो सकता है अगली बार जब एसटीईटी हो तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाए चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो ये लोग आंसर, सही आंसर ये लोग मानेंगे आनंद किशोर जी ने किया। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं इन लोगों के लिए। इसीलिए मैं बार बार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग करते रहता हूं। अगर ये आंसर की जारी नहीं होता तो आज तो ये भी पता नहीं चलता कि इतने आसान आसान प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं। आपत्ति दर्ज करने के लिए भी एकदम कम समय दिया गया है। कल आंसर की जारी हुआ और आज 4 बजे तक आपत्ति दर्ज करना है आपको। तो आप जितने भी अभ्यर्थी है, सबसे पहले तो हम अपील करेंगे कि पूरे सोर्स के साथ आप आपत्ति दर्ज कीजिए। लेकिन अभ्यर्थियों का फोन मेरे पास आ रहा है कि कोई 5 प्रश्नों की आपत्ति दर्ज कर दिए, उसके बाद उनका आपत्ति दर्ज नहीं हो रहा है, सर्वर काम नहीं कर रहा। कुछ स्टूडेंट्स बोले कि 10 क्वेश्चन का आपत्ति उन्होंने दर्ज किया, उसके बाद सर्वर ही काम नहीं उनका कर रहा है, यानी बीएसईबी का नहीं कर रहा है। और अभी 12 बजे के बाद तो बहुत अभ्यर्थी फोन करके बता रहे हैं ना कि सर्वर ही काम नहीं कर रहा है बीएसईबी का, तो फिर ये आपत्ति भी दर्ज कैसे करे, और इतनी हड़बड़ाहट क्यों है इनको। कम से कम तीन दिन भी तो समय देना चाहिए आपत्ति दर्ज करने के लिए। एक दो क्वेश्चन का आंसर गलत रहता तो ठीक है, एक दिन भी आपने मौका दिया तो ठीक है, 50-50 प्रश्नों के उत्तर आपने गलत दिए हैं तो कम से कम 3 दिन तो मौका देना चाहिए कि आपत्ति दर्ज कर सके। और उसमें भी आप आंसर की देखिएगा, आंसर की खोलिएगा तो 50 रुपया पहले आपको देना पड़ेगा। ये पैसों की लूट हो रही है, बेरोजगार युवाओं से बिहार में पैसा की लूट की जा रही है एसटीईटी 2023 में बीएसईबी के द्वारा, और ऊपर से फोन कॉल्स करके पैसा मांगा जा रहा है, कितना पैसा दीजिए नहीं तो आपको एसटीईटी में फेल कर देंगे। ये डाटा कहां से लीक हुआ, क्या इसका जवाब आनंद किशोर जी को नहीं देना चाहिए कि डाटा कहां से अभ्यर्थियों का सारा सही सही चीज लीक हो गया, एकदम हूबहू सही सही डाटा बताया जा रहा है अभ्यर्थियों के बारे में, कहां से लीक हो गया। और अभी जो आंसर की जारी हुआ उसमें 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर गलत है। हम नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि आप इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाइए। क्यों इस तरह की घटना हो रही कि 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं जानबूझकर, इसकी जांच होनी चाहिए, जो भी इसके लिए दोषी है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऑनलाइन जब तक सरकार के पास व्यवस्था नहीं है परीक्षा कराने की, तब तक ऑनलाइन परीक्षा नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, सरकार सबसे पहले अपना संसाधन विकसित करे तब ऑनलाइन परीक्षा लेने की बात सोचे। और अभी जो 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं, हम आग्रह कर रहे हैं बीएसईबी के चेयरमैन से भी कि आप इस पे संज्ञान लेकर जल्द से जल्द इसमें सुधार कीजिए और सही उत्तर पर
आप रिजल्ट दीजिए, अन्यथा बीएससीबी ऑफिस के अंदर आंदोलन झेलने के लिए तैयार रहिए।